रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जानिए कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक है योग गुरु बाबा रामदेव। आज पूरे भारत देश में पतंजलि का बोलबाला है। बाबा रामदेव का असली नाम रामकृष्ण यादव भारतीय योग गुरु हैं। उन्होंने योगासन व प्राणायाम योग के क्षेत्र में योगदान दिया है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद स्थित अली सैयदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता गुलाबो देवी एवं रामनिवास यादव है। शिक्षा बाद में समीपवर्ती गांव शहजादपुर के सरकारी स्कूल से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद रामकृष्ण ने खानपुर गांव के एक गुरुकुल में आचार्य प्रद्युम्न व योगाचार्य बलदेव जी से संस्कृत व योग की शिक्षा ली। योग गुरुवार बाबा रामदेव ने युवावस्था में ही संन्यास लेने का संकल्प किया और रामकृष्ण बाबा रामदेव के नए रूप में लोकप्रिय हो गए। योग की शुरुआत 2003 से आस्था टीवी ने हर सुबह बाबा रामदेव का योग का कार्यक्रम दिखाना शुरू किया था, जिसके बाद से बहुत से समर्थक उनसे जुड़े। बाबा रामदेव ने योग को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और विदेशों में उनके योग शिविरों में आम लोगों सहित कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी भाग लेती थी, जैसे अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। पतंजलि की शुरुआत योग के साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की सन 2007 में, जिसके बाद से यह एक विशाल कारोबार उभर कर आया। किसी को पता भी था कि 10 साल में यह कंपनी कई उत्पाद श्रेणियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चुनौती पेश करने लगेगी। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय कंपनी है। भारतीय बाजार में आज पतंजलि आयुर्वेद की मजबूत पकड़ है, जो कि बाजार में मौजूद विभिन्न विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। शुरुआत में टीवी और बैनर के द्वारा कंपनी अपने उत्पादों का प्रचार करती थी और अब यही कंपनी कई हजार करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर चुकी है। बाबा रामदेव खुद 1,800 करोड़ रुपए के मालिक है। उनके पास ऑडी, रेंज रोवर जैसी लग्जरी कार है। मुंबई में 4 करोड़ की कीमत का घर है। साल 2015 से 16 में पतंजलि आयुर्वेद की कमाई 5000 करोड़ पर पहुंच गई थी, जो उससे पिछले साल की तुलना में 150% ज्यादा है। कंपनी 2016 से 17 में 10000 करोड़ कमाई तक पहुंचने का लक्ष्य बना रही है। 5 साल में कंपनी की कमाई में 10 गुना से ज्यादा का उछाल आया है। कामयाबी की इस स्पीड के पीछे पतंजलि आयुर्वेद का विस्तार है। कंपनी देश के कई राज्यों में नए प्लांट और फूड पार्क बना रही है। कंपनी के सीईओ आचार्य बालकृष्ण है, जो भारत देश के 8वें सबसे अमीर आदमी है। उनकी कुल संपत्ति है 70,000 करोड़ रुपए। बाबा रामदेव के समर्थकों और देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों के बलबूते पर यह मुमकिन हुआ है। इतना सब होने के बाद भी बालकृष्ण हर रोज 15 घंटे काम करते हैं। एक दिन में सफलता का राज कड़ी मेहनत कठोर परिश्रम है। रविवार और छुट्टियों के दिन भी काम करते हैं। पतंजलि कंपनी की शुरुआत 11 साल पहले हुई थी, वे भी पर्सनल लोन पर। कंपनी आगे चलकर न केवल भारत बल्कि नेपाल में भी पैर पसारने की योजना बना रही है। स्कॉटलैंड में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के पास एक आइलैंड भी है। आपको यह लेख कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके विचार में पतंजलि को और क्या क्या नए सामान बाजार में लेने चाहिए बताएं। और यह आर्टिकल अच्छा लगा है तो शेयर करें, चैनल को फॉलो करें।